आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस वॉलेट पे अपने यूएसडीटी या कोई भी क्वाइन कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कौन सा नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होगा, आपकी ट्रांजेक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी, बाइनेंस वॉलेट से आपको कहाँ से एड्रेस कॉपी करना होगा, कहाँ पे पेस्ट करना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस से बाइनेंस वॉलेट पे यूएसडीटी या कोई भी क्वाइन कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर बाइनेंस वॉलेट से बाइनेंस एक्सचेंज पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस वॉलेट पे आप यूएसडीटी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली है और यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र करने हैं यूएसडीटी अपने बाइनेंस के वॉलेट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं यूएसडीटी में, ठीक है। ये देखें यूएसडीटी मेरे पास पड़ा हुआ है बीएनबी स्मार्ट चेन, मतलब BEP20 नेटवर्क का मेरे पास बीएनबी पड़ा हुआ है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। 11 यूएसडीटी मेरे पास पड़े हुए हैं बीएनबी स्मार्ट चेन में, जो कि नेटवर्क है BEP20 नेटवर्क में मेरे पास यहाँ पे 11 यूएसडीटी पड़े हुए हैं। तो यहाँ से यूएसडीटी सेंड करने के लिए आपको आना होगा सेंड पे। जैसे ही सेंड में आएंगे तो यहाँ पे देखें आपको एड्रेस डालना होगा और अमाउंट डालना होगा। एड्रेस आपको कॉपी करना होगा बाइनेंस के वॉलेट से। तो बाइनेंस के वॉलेट पे आते हैं, तो ये आ गया मैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पे। बाइनेंस की एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको आना है यहाँ पे वॉलेट पे, वेब 3 पे, ठीक है। ये हमारा बाइनेंस का वॉलेट यहाँ पे ओपन हो गया, $19 यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मुझे ट्रस्ट वॉलेट से रिसीव करने हैं यूएसडीटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रेस करना है रिसीव पे, ठीक है। रिसीव का बटन प्रेस करें, जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको यूएसडीटी फाइंड करना होगा जो बीएनबी स्मार्ट चेन का होगा। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे यूएसडीटी आ गए। ये सेम प्रोसेस अगर आप कोई और कॉइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूएसडीटी नहीं है कोई और कॉइन है, तो वो भी आपको इसी तरह फॉलो करना होगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया यूएसडीटी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे यूएसडीटी लिखा तो देखें यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क के यूएसडीटी आ गए। बीएनबी स्मार्ट चेन का आ गया, बीएनबी स्मार्ट चेन टेलर नेटवर्क का आ गया, यूएसडीटी हमारे पास आ गया इथीरियम का, मांटा का, नियोन का, आर्बिट्रम का, बहुत सारे यहाँ पे आ गए। तो हमारे पास जो यूएसडीटी पड़े हुए हैं वो है बीएनबी स्मार्ट चेन के। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टीथर यूएसडीटी, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये एड्रेस आपको यहाँ पे मिल गया। इस एड्रेस को कॉपी करना है और पेस्ट करना है ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन में। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन में और इस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करना है। कितने यूएसडीटी आपको ट्रांसफ़र करने हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मैं करता हूँ भाई 5 यूएसडीटी मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। सेंड के बटन को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हमने सेंड के बटन को प्रेस किया तो ये पेज आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका एसेट ये है, इस वॉलेट से आपके जाएंगे और इस एड्रेस पे ट्रांसफ़र होंगे। उसके बाद इसकी जो है वो मेन चीज़ है नेटवर्क फ़ी। तो नेटवर्क फ़ी आपको उसी नेटवर्क में देनी होगी जिस नेटवर्क में आपके पास वो क्वाइन अवेलेबल होगा। जैसे मेरे पास अभी यूएसडीटी पड़ा हुआ है वो है BEP20 नेटवर्क में, तो जो मुझे फ़ी देनी होगी वो मुझे BNB की देनी होगी। तो अगर आपके पास TRC20 में है तो जो आपको फ़ी देनी होगी वो ट्रोन नेटवर्क यानी कि TRX क्वाइन में देनी होगी। तो जो नेटवर्क होगा फ़ी भी उसी नेटवर्क की होगी। तो मेरे पास BNB अवेलेबल है, अगर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो एरर आ रहा होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा होगा, फिर आपको बाइनेंस से ट्रांसफ़र करने होंगे यहाँ पे पहले, उसके बाद आप यहाँ से आप विदड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। अभी सब कुछ सही है, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कन्फर्म, थंब वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे ये हो रहा है प्रोसेसिंग, तो जब तक प्रोसेसिंग हो रहा है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। यहाँ पे अगर हम प्रेस करते हैं ट्रांजेक्शन डिटेल्स को तो ये देखें यहाँ पे कम्प्लीटेड दिखा रहा है। तो एक मिनट के अंदर यहाँ पे ये कम्प्लीटेड आ गया। समटाइम ये भी होता है यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं मगर वॉलेट में या बाइनेंस एक्सचेंज पे जहाँ भी आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलते हैं बाइनेंस वॉलेट पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम वापस आ गए, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, बैक करता हूँ, बैक, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें यूएसडीटी मेरे रिसीव हो गए। अगर यहाँ पे हम आते हैं यूएसडीटी पे तो ये देखें 5 यूएसडीटी मेरे यहाँ पे दिखा रहा है। तो ट्रस्ट वॉलेट से हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए यूएसडीटी कुछ ही मिनट के अंदर। अगर हम बैक जाते हैं तो जो मेरे पास पहले यूएसडीटी पड़े थे वो यहाँ पे देखें दिखा रहा है VUSDT में, जो कि वेनस का नेटवर्क है। तो ये भी BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क है मगर ये थोड़ा अलग से काम करता है। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे 9 USDT इसमें भी पड़े हुए जो कि इक्वल है 423 VUSDT के। तो बात सेम है, इसमें कोई भी तरह डिफरेंस नहीं है। ये इजीली आप यहाँ से विदड्रॉ भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो यहाँ पे समझ आई होगी। कोई भी मसला आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।